दोस्तों आपने हॉरर फिल्मों में वो सीन जरूर देखा होगा जब नदी या समंदर के पास जाते ही कोई इंसान या चीज अचानक गायब हो जाती है। कभी कभी तो फिल्मों में ऐसा सीन इतना खूबसूरती से फिल्माया जाता है कि लगता ही नहीं कि यह कोई फिल्म है। अब जरा फिल्मी दुनिया से हटकर हकीकत में ऐसा सोचिए, जब आपके आगे कोई कार जा रही हो और अचानक से वो तेज गति में ऊपर की ओर उठती है और आसमान में गायब हो जाती है। वाकई ऐसी कल्पना भी किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। कुछ ऐसी ही रहस्यमय कहानी बरमूडा ट्रायंगल की है। हाल ही में बरमूडा ट्रायंगल एक बार फिर भी चर्चा में है। हजारों सालों से पहली बने हुए इस ट्रायंगल के रहस्य पर से पर्दा उठ चुका है, लेकिन इन सब बातों से परे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई बातें जरूर सुननी है। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल क्या है इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, तो आइए पहले जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल आखिर है क्या। तो चलिए दोस्तों, मैं उज्जवल स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में 5,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा है। इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। पिछले 100 साल में इसमें 75 एरोप्लेन और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं। 1,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसे डेविल ट्रायंगल नाम से भी जाना जाता है। यह खतरनाक इलाका अटलांटिक महासागर में है। यह फ्लोरिडा के मियामी, बरमूडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको के सैन जुआन के बीच है। इन तीनों जगहों को सीधी लाइन से आपस में मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल बनता है। इसी इलाके को बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। इसका कुल एरिया करीब 5,00,000 स्क्वायर किलोमीटर बताया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिसका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेख में इस ट्रायंगल में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनका कंपास यानी दिशा बताने वाला यंत्र ने काम करना बंद कर दिया था। देखा जाए तो बीते 100 सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह भी सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। सन 1945 में अमेरिका के 5 टर्पीडो बम वाले विमान के झुंड ने 14 लोगों के साथ इस ट्रायंगल के क्षेत्र से ऊपर उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम करना बंद कर दिया। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमान में मौजूद लोग कभी वापस लौटकर नहीं आए। उसके बाद उनके बचाव कार्य में गए 3 विमान, उनका भी कोई नामोनिशान नहीं मिला। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं यहाँ पे। खैर, शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे कई दावे अब तक बरमूडा ट्रायंगल को लेकर किए जा चुके हैं जो ये संकेत करते हैं कि वहाँ पर एलियन का बेस है, पर ये सब सारी बातें झूठ है। अगर ऐसा होता तो इस ट्रायंगल को दुनिया के टॉप 10 रहस्यमय जगहों में कम से कम रखा जाता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल की खोज के 300 साल बाद भी इसे शिप का कब्रिस्तान माना जाता है। बरमूडा में नाव के डूबने के अनेक कारणों में से एक कारण रीफ है। बरमूडा के आसपास करीब 300 जहाज के मलबे मिले हैं। कई जहाज सिर्फ रीफ की वजह से ही पानी में डूबे हैं। रीफ यानी टेढ़ी मेढ़ी चट्टान होती है जो कि ऑर्गेनिक चट्टान होती है, जो बहुत ही छोटे समुद्री जीवों तथा एक खास तरह के सेल से बने होते हैं जो कि कई सालों तक जमा होने के कारण होते हैं, और यह काफ़ी कठोर भी होते हैं। और जब पानी का जहाज यहाँ से गुजरता है तो रीफ में टकराने की वजह से डूब जाता है। ऐसी घटना और भी कई जगहों पर देखी गई है। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास का इलाका काफ़ी गहरा है जिसमें कोई भी नाव आसानी से डूब के गायब हो सकती है, और इसके ऊपर जाने पर वह ज्वालामुखी नजर आता है जिसके कारण बरमूडा ट्रायंगल बना है। ज्वालामुखी की सीधी दीवारें समुद्र के अंदर तक जाती है और लगभग 2000 फीट गहरी है। इसके आसपास जमीन में बने और भी कई ज्वालामुखी मौजूद हैं। दोस्तों समुद्र तल के भीतर होने वाली ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकलने वाली मीथेन गैस पानी से मिलकर उसके घनत्व को कम कर देती है, और मीथेन गैस की बुलबुलियां चार्ज होकर ऊपर आने लगती है जिसके कारण हेक्सागोलन यानी 6 भुजा वाले बादल का निर्माण करती है। यह बादल एयर बम की तरह काम करती है। इस स्थिति में लगभग 270 किलोमीटर की रफ्तार में हवाएं चलने लगती है। धीरे धीरे यह हवा आसमान को छूने लगती है। बरमूडा ट्रायंगल पर बनने वाला समुद्र का बल पानी से टकराता है जिससे सुनामी से भी ज़्यादा ऊंचे लहरें पैदा होती है। यह लहरें आपस में टकराकर ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है
इस दौरान ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज या एरोप्लेन से टकराते हैं और उन्हें खींचकर समुद्र तल में लेकर चले जाते हैं। इस वजह से अक्सर जहाज और एयरक्राफ्ट बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।